फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वो ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है नौरत्नगढ़ का किला। टारगेट जो है हमारा वहां पे जाने का है, बट वहां जाने के लिए रास्ता किधर से वो हमें नहीं पता, और कैदी को रखने के लिए बना हुआ होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो आदमी थे यार वो छोटे वो करते थे क्या। Hello guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? फिर से आपके सामने एक नया ब्लॉग। इस जगह पे हम लोगों को जाना है अभी। जगह का नाम है नौरत्नगढ़। अच्छा से पड़ेगा इसी रास्ते को फॉलो करके हम अंदर जाएंगे। अभी 9.5 किलोमीटर यहाँ से गूगल मैप दिखा रहा है, बोर्ड में भी दिखा रहा है। देखते हैं आगे मिलते हैं आप। तो भैया जो सरप्राइज था मेरा वो ये था कि नौरत्नगढ़ मेरा बहुत दिन से मन था यार, बहुत दिनों से मन था आने का, और बहुत बार मैं ट्राई कर चुका था इसके लिए, बट बार बार किसी ना किसी वजह से ये कैंसिल हो जा रहा था। My heart shakes like the waves in a baseline boom. The good girl grows too soon. Stay by the light of the moon. मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, क्या है कि जॉब भी करना पड़ता है और वीडियो भी आप लोगों के लिए बना कर लाता हूँ। बट जैसे जैसे हालात सुधरेंगे, दिन सुधरेंगे, हफ्ते में कोशिश करूंगा कम से कम 2 वीडियो डालने की। हफ्ते में नहीं भी तो कम से कम 5 दिन के अंदर मैं 1 वीडियो कम से कम डालने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट रह पाऊँ। होता है यार, अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। मोदी जी आए, अच्छे दिन लाए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वो ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है नौरत्नगढ़ का किला। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है आसिफ और आप आ चुके हैं हमारे चैनल पे। तो पेश करता हूँ आपके सामने एक और फेमस जगह जो कि सिसई में है अपने, और काफ़ी पुराना, मतलब 16 से 17 शताब्दी के बीच का, 16-17 शताब्दी का ये जो किला है वो बना हुआ है। जगह का नाम है नौरत्नगढ़ फोर्ट, जहाँ पे अभी हम आए हैं। इसके बारे में भी कुछ बहुत पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद पता चला ये 16 से 17 शताब्दी में ये बना है। ये किले का निर्माण उस टाइम हुआ था, और यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और सही है, मतलब पुरानी वाली फीलिंग आ रही है एकदम। आए तो उदास हो गया था, चेहरा ऐसा उदास हो गया था, बट अभी फर्स्ट वाले घर पे घुसे, जैसे ही पहला एंट्री हम लोग किए, कह रहे भाई इस साइड से आते हैं। जैसे ही पहला एंट्री हुआ है और क्लोज से सामने से देखने का मौका मिला तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुगल के टाइम का ये बना हुआ है, मुगलों के टाइम का ये शायद कैदी को रखने के लिए बना हुआ होगा या कुछ और भी हो सकता है, आई डोंट नो। जो भी हो, हमने तो बस यार यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि कपल्स बहुत ज़्यादा हैं और जगह जगह पे पड़े हैं। समझ रहे हो? काफ़ी खूबसूरत, अद्भुत नज़ारा है यार, काफ़ी गजब, मतलब अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल।
इसको बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। बाहर का जो माहौल है बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था, बट यहाँ आते ही हम लोगों को सुकून मिलने लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ठंड लग रहा है और मौसम सही है। मतलब इतना छोटा यार ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये किसके लिए होगा, ये क्या लगता है कैरी भाई, कुछ आपका थॉट कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कुछ अंदाजा आइडिया नहीं है ना, और अंदर चला जाए, जा सकते हैं यार। झूक झूक के हमको लगता है ना, मेरे हिसाब से कैदी को ही रखने के लिए कोई जगह होगी या जो भी होगी, मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा और उसके बारे में आपसे शेयर भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी। सो इस साइड से दिखा दिया, हाँ तो उस साइड से हम लोग उतर सकते हैं, उतरने के बाद उसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी साइड से उतरेंगे क्योंकि इस साइड का जो यार रास्ता था वो काफ़ी छोटा था, बट यहाँ का ठीक है। हाँ राम प्रवेश सिंह यार, ये ऐसा क्यों करते हो यार, खूबसूरती को यार खूबसूरत रहने दो, ये सब लिख के उसको खराब करना सही नहीं है। ऊपर दीवारें जो है छत तो टूट रही है, तो मुझे ज़्यादा इतिहास का तो नॉलेज है नहीं उतना ज़्यादा, बट फिर भी यहाँ आने का मन बहुत था, शौक था, यहाँ पहुँचा जाए और यहाँ पे आया भी। देख रहा हूँ बहुत सारा किला है, उसे भी कवर करना है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही किया मैंने, और भी आगे किला है उसे भी देखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। यार काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, और अभी मतलब यहाँ से नज़ारा तो सारा कुछ दिख जा रहा है, बट अंदर से जाने के बाद जो फील आ रहा है ज़्यादा औसम आ रहा है। और यहाँ किला ही नहीं बहुत कुछ है, पहाड़े हैं, पानी है, और कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, तो एंजॉय करने में अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे एक किला है, बहुत ही ऑसम ये प्लेस है और अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। तो देखते हैं, आगे बने रहिए इस चैनल पे। टारगेट जो है हमारा वहाँ पे जाने का है, बट वहाँ जाने के लिए रास्ता किधर से वो हमें नहीं पता, और सबसे ज़्यादा दूर में वही है और ये इकलौता एक इतने दूर में, बाकी सब आसपास में ही है। और यार काफ़ी ज़्यादा पहाड़े हैं यार यहाँ पे, और कपल्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, सही बताया जाए बहुत ही अच्छा प्लेस है, सुकून लाइक जगह है। और खाली टाइम में आप अपना जैसे थकान होता है वो थकान मिटाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिलैक्स फुल जगह है ये। यार ऊपर जाने का कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, यहाँ तक तो हम लोग आ गए बट पूरा ऊपर टॉप तक जाने का कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, इस कारण से हमें यहाँ से वापस ही लौटना पड़ेगा। और भी किला है जिसके अंदर अभी तक हम लोग घुसे नहीं हैं, जिसके अंदर प्रवेश किए नहीं हैं, एक दो किला पे अभी तक जा चुके हैं हम लोग, बट जैसा कि आप सामने देख रहे हो राइट हैंड साइड में जो है उसके जस्ट बगल में जो है एक आगे में है, तीन चार किला बचा हुआ है जिसपे अभी हम लोग एंटर नहीं किए हैं, वहाँ भी जाते हैं और देखते हैं और मज़ा लेते हैं इस जगह का। सीढ़ियाँ लगी हुई है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अभी हमें मना किया गया है इसके ऊपर चढ़ने को, पता नहीं किस लिए मना किया गया बट अभी मना है। और ऐसे भी मतलब जैसा दिख रहा है इसका दीवार जो दिख रहा है वो उस पर पूरा दरार आ चुका है, इसके लिए मना किया गया होगा। एनीवे ये जो किला है इसका अपना एक इतिहास है, नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण, छोटा नागपुर निवासी, छोटा नागपुर के जो निवासी थे नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा कराया गया था। मतलब उस टाइम इसका निर्माण कराया गया था और ये उस टाइम सीढ़ी बना है ना रड, यार देख रहे हो ना छड़ है, एक भी छड़ नहीं है यहाँ पे, बिना छड़ का इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट खड़ी है, पूरे तरीके से खड़ी है, कुछ कुछ ही ऐसा पार्ट है जो गिर चुका है यहाँ से, उसके बाद भी इतनी मजबूती, यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।
मतलब इतिहास में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट आज इसे देख के इंटरेस्ट आने लगा है। और ये मेरे ख्याल से कुआं होगा जो कि भर चुका है, काफ़ी छोटा कुआं हुआ करता था उस टाइम, काफ़ी खूबसूरत अद्भुत नज़ारा यार। उस टाइम के जो बंदे थे, जो आदमी थे यार, वो छोटे हुआ करते थे क्या? अच्छा इतना छोटा छोटा दरवाजा यार। ओ भाई कैरी भाई मतलब पहली फुर्सत में कहाँ कहाँ निकल रहे पता भी नहीं चल रहा है, उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ना पड़ रहा है मुझे गैप। ओ भाई कैरी भाई किधर, अरे यार पीछे पीछे ढूंढना पड़ रहा है आपको, पब्लिक डिमांड है आपका, आप गैप हो जा रहे हो। काफी खूबसूरत जाने से भी डर लग रहा है। आए भाई, ओ भाई पूरा अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा है, डर लग रहा है। नहीं भाई नहीं डर है, अपना चीता है, रांची के चीते हैं, किले के अंदर ही जीते हैं। अच्छा शुरू से तो ये था अपना नवरत्नगढ़ का फोर्ट, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब था, काफी ज्यादा अच्छा था और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे जगह की मुझे आदत नहीं है। बट यार मुझे राइडिंग की आदत है, जो कि मैं हमेशा करता ही हूँ, तो बस उसी के लिए राइडिंग के शौक से मैं यहाँ पे आया। बट ये एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एडवेंचर मेरे लिए हुआ और मेरे लाइफ में हुआ, इसके लिए भी एक अच्छा है यार। मतलब हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। कैरे भाई कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, एवरेज बताइए आप? अच्छा है ना, अच्छा लगा, मतलब नेचर देख सकते हो आप यहाँ पे आने के बाद। और दूसरा है कि कपल्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो पूछो देखने तो कुछ पब्लिक को बोलना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसे देख के आप यहाँ आना भी चाहेंगे, काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है यार, तो इस जगह पे आप आना भी चाहोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अपना जो ग्रो आर्मी है उसको बढ़ाइए, क्योंकि अपना ग्रो आर्मी है उसे बड़ा करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए भाई।